आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एसएस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्तित पाठक। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल तक एक छत राज करने वाली बीजेपी अब बार बार कांग्रेस से मात खा रही है। विधानसभा के बाद नगरीय निकाय चुनाव में शिकस्त झेल चुकी बीजेपी की हालत पंचायत चुनाव में भी पतली नजर आ रही है। 28 में से 20 जिला पंचायत पर कांग्रेस की बढ़त साफ नजर आने लगी है, वहीं 6 पर बीजेपी ठीक ठाक है, मगर ये कब बीजेपी के हाथ से खिसक जाए कह नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेसियों के चेहरे खिलने लगे हैं, जबकि तीसरी बार पटकनी खाने के बाद बीजेपी हाशिए पर जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी के भीतर खाने ग्राउंड लेवल से आवाजें उठने लगी हैं कि पार्टी की विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है। जाहिर है सबसे ज्यादा सवाल सूबे की टॉप लीडरशिप के परफॉर्मेंस पर उठेंगे, तो क्या इसके साइड इफेक्ट के तौर पर कहीं मौजूदा नेतृत्व में बदलाव तो नहीं होगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर छग बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच खेमेबाजी क्यों बढ़ने लगी? इस पर आज विस्तार से बात होगी, साथ ही बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां बीते दिन धार जिले में बेहद खौफनाक घटना घटित हुई। मनावर के खिड़किया गांव में रहने वाले मजदूरों से अपने 2.5 लाख रुपए वापस लेने गए 5 किसान बहसी भीड़ के शिकार हो गए। हिंसक भीड़ ने एक किसान की जान ले ली, जबकि 3 अब भी मौत के मुहाने पर खड़े हैं। इस विवश घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक दिन बाद एक्शन में आई सरकार के 2 मंत्रियों ने घायलों का हालचाल जाना और पुलिस को निर्देश भी दिए, मगर भीड़ में शामिल सैकड़ों बहसी में से अब तक सिर्फ 4 आरोपी ही पुलिस की गिरफ्त में आ पाए हैं। क्या ये सिस्टम का फेलवर नहीं है? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस मॉब लॉन्चिंग को रोका जा सकता था? तो क्या पुलिस बेबस थी? चलिए मान लिया 1000 की भीड़ के सामने 2 पुलिसकर्मी बेबस थे, मगर क्या कल से आज तक पूरा महकमा बेबस है? क्या ये लिंचिंग सिर्फ किसानों के साथ हुई है, या बार बार हर बार कुछ नाकारा और भ्रष्ट तत्व हमारे सिस्टम के साथ जो लिंचिंग करते आ रहे हैं, ये उसका परिणाम है? सवाल ये भी है कि हमारे देश के सामाजिक सौहार्द पर हो रही इस लिंचिंग का कोई स्थायी समाधान भी है? मुद्दा बड़ा है, संवेदनशील है, लिहाजा आज इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि यहां पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी पस्त तो कांग्रेस मस्त नजर आ रही। तो जब जीत का सेहरा माथे पर सजता है, तब नेतृत्व और नेताओं का सियासी सफर सुगम हो जाता है। लेकिन सामना हार से हो और लगातार हो, तब उसी नेतृत्व के परेशानी पर बल पड़ने लगते हैं। कुछ ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व के साथ हो रहा है। एक के बाद एक जीत का परचम फहराने वाली कांग्रेस अपनी सफलता पर फूली नहीं समा रही है, तो वहीं चुनाव दर चुनाव पराजय का मुंह देख रहे बीजेपी नेताओं के हौसले पस्त पड़ने लगे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं अंदर खाने से ये खबर भी आने लगी है कि बीजेपी में नए सिरे से ओवर हाली हो सकती है। बहरहाल आज के मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शहरों में सरकार बनाने के बाद अब ग्राम पंचायतों में भी कांग्रेस का परचम फहराने लगा है। पंचायत चुनाव में अब तक जो नतीजे आए हैं, उससे उत्साहित होकर मंत्री कवासी लखमा ने तो दावा कर डाला है कि सूबे के 27 जिला पंचायतों में से 95% कांग्रेस की झोली में आ रही है। पूरा प्रदेश का रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, लोकतंत्र है, 1-2 सीट कहीं कमी होगा, लेकिन 80-90% कांग्रेस पार्टी जीता। अब तक के नतीजों में 18 पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ 6 जगह पर आगे है और 2 पर बराबरी की टक्कर है। इस पर भी कोरिया और दंतेवाड़ा में कभी भी बाजी पलट सकती है। ऐसे में अकेले कबासी लखमा ही नहीं, कांग्रेस के अन्य नेता भी 20 से ज्यादा जिला पंचायत पर बीजेपी को शिकस्त देने का दावा करते सुने जा सकते हैं। 258 में चुनाव हुए हैं, जिसमें 147
जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए और भारतीय जनता पार्टी के मात्र 95। इससे साफ जाहिर होता है कि जिला पंचायत में भी अधिकतर में हमारे बन रहे और तीसरा चरण जो अभी तक के जो रुझान आए हैं उसमें हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं 28 में से अधिकतर हम जिला पंचायत जीतेंगे। तो क्या ग्रामीणों ने भूपेश सरकार के शराबबंदी और धान खरीदी की नीति पर अपनी सहमति जता दी है? वजह जो भी हो लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि भूपेश सरकार का मैजिक अभी भी बरकरार है। फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? मगर बीजेपी ऐसा नहीं मानती, उसे अब भी ग्रामीण जनता के जनाधार के पीछे कांग्रेस की जोड़ तोड़ ही नजर आ रही है। लोग बूथ के अंदर घुस गए, बूथ के कब्जा कर लिया, कुछ जगह वोट डालने की शिकायत हुई, यहाँ तक नहीं काउंटिंग में भी गड़बड़ियां की गई, लोगों को टैबुलेशन शीट भी गलत टैबुलेशन शीट दिया गया, काउंटिंग का सर्टिफिकेट गलत दिया गया, जबकि सारे प्रत्याशियों को मिले वोटों की संख्या देनी है लेकिन उन्हें वो संख्या नहीं दी 50% से ज्यादा जगहों में। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नगरीय निकाय में भी शिकस्त खा चुके बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से भी उम्मीद थी वो पंचायत चुनाव में बाउंस बैक करके हार का सिलसिला तोड़कर दिखाएंगे, लेकिन इस बार भी नाकाम दिख रहे प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व को लेकर अब परिवर्तन की आवाज उठने लगी है। जानकार भी बीजेपी में अब ब्रजमोहन प्रेम प्रकाश पांडे खेमा और रमन सिंह खेमे में टकराहट बढ़ती देख रहे हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ बीजेपी को नया कप्तान मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो बीजेपी पस्त, कांग्रेस मस्त, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। धनंजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं, सुंदरानी जी आपका स्वागत है। साथ ही हमारे स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल और भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार अरुण पटेल जी हैं, आप लोगों का भी स्वागत है। सबसे पहले सुंदरानी जी, ये हो क्या रहा है? इसके पहले भी इसमें एक दो बार चर्चा हुई है, ये कहा गया है कि नहीं हम 60-65% सीटों पर मैंने पंचायत चुनाव जिला पंचायत सदस्यों जनपद पंचायत अध्यक्षों में आप कब्जा करेंगे, लेकिन जो गणित आ रही है सामने उसमें से 28 में से लगभग 22 में कांग्रेस निश्चित तौर पे अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। क्या वजह है बीजेपी लगातार फेल हो रही है? देखिए त्रिपाठी जी, बीजेपी कहीं फेल नहीं हो रही है। अपने को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 सीटों पे सिमट के रह गए थे जी। 75 सीटें विधानसभा की ऐसी थी जो हमारे विरोध में जीती गई थी जी। अगर हम नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें तो हम 45 और 55 के रेशों में पहुंचे, जहां पे हम 20% भी नहीं थे, 20% से कम जगह हमारे विधायक शहरों में जीते थे, हम 45% पे पहुंचे। 1150 सीटें हमारी आई, 1250 कांग्रेस की आई। कांग्रेस भी 40% से ऊपर पार्षद नहीं जीत पाई, लेकिन जोड़ तोड़ के आधार पे, सत्ता के दम पे, खरीद फरोख के मामले में निर्दलीय और अन्य जो छोटे छोटे दलों के कैंडिडेट जीते थे उनका सहयोग लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह से इन्होंने नगरीय निकाय पे अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की जी। वहीं जिला पंचायत के चुनाव, पंचायत के चुनाव जो हुए हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी कहीं बराबर बराबर की स्थिति में, कहीं एकाध पंचायत का सदस्य कांग्रेस का ज्यादा होगा, एकाध दो सदस्य हमारे ज्यादा होंगे। जोड़ तोड़ में कांग्रेस माहिर है, सत्ता कैसे चुराई जा सकती है ये कांग्रेस बड़ी अच्छे से जानती है, क्योंकि 55 साल का अनुभव भी इनके पास रहा है। और चूंकि ये राज्य सरकार से रिलेटेड चुनाव होते हैं, चाहे नगरीय निकाय के हो या पंचायत के चुनाव, ग्रामीण अंचल के चुनाव हो, राज्य सरकार से सीधा सीधा इनका संबंध होता है। कई बार सत्ता के साथ रहने में विकास होगा ये बात इनके साथ जुड़ी होती है, वही एक कारण है कि ये कल 22 की बात कर रहे हैं, हो सकता पूरे 28 जिला पंचायतों पे खरीद फरोख करके कब्जा कर ले, तोड़फोड़ करके कर ले, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 22 तो क्या, इनका 15 में भी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर ये जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख करके सत्ता का भय दिखाकर अगर 28 के 28 जिला पंचायत में कब्जा दिखा दें तो क्या बड़ी बात है। जोड़ तोड़ में आप बोल रहे हैं ये माहिर है सुंदरानी साहब, लेकिन जोड़ तोड़ में तो अभी पिछले 4-5 साल में मैं सुनता आ रहा हूं कि जोड़ तोड़ में तो
आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माहिर रहे हैं, जहां दो सीटें रही हैं आपकी जिन विधानसभाओं में, वहां भी आपकी सरकार बन गई। तो ये जोर तोड़ की राजनीति कैसे गड़बड़ हो गई, गोवा से लेके और सारे मामले आपके सामने हैं। त्रिपाठी जी, अगर जिस राज्य में हमारे दो विधायक चुने गए, अगर वहां पे जो बड़े दल है हमारा सहयोग लेकर हमारे को साथ में रख के सरकार बनाते हैं, उनका अपना रुचि होता है कि केंद्र सरकार के सहयोग मिलेगा, आर्थिक सहयोग मिलेगा, कहीं न कहीं विकास के रास्ते खुलेंगे, एक ये मापदंड होता है। गोवा में कांग्रेस के पास 18 मेंबर थे, हमारे पास 13 मेंबर थे, कांग्रेस 5 दिन तक चुप बैठी रही, सरकार नहीं बनाई। आके लोग विधायक आके हमारे लोगों से कहने लगे कि आप आगे बढ़िए, हम आपका समर्थन करने को तैयार है। यही एक दो उदाहरण तो है, कोई बड़े उदाहरण तो नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र में हमारा सहयोगी दल था, कांग्रेस और एनसीपी ने उनको लालच देकर मुख्यमंत्री का पद देकर हमसे शिवसेना को अलग किया, बड़े दल के रूप में तो हम आए थे, हमने तो महाराष्ट्र में कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की। हमारा सहयोगी दल शिवसेना था, कांग्रेस ले गई उठा के, एनसीपी ले गई, तो हमने तो वहां पे कोई बात नहीं की। हम जोड़ तोड़ करना होता, खरीद फरोख करना होता तो क्या हमारी पार्टी कर सकती थी, लेकिन विश्वास नहीं रखती तोड़ खरीद फरोख पे। बिल्कुल सुनानी जी, बहुत सही कहा। हाँ, समय का फेर है, समय होता है तो सब होता है। जोड़ तोड़ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, समय अगर है तो। एक कहावत है महाभारत की कि भीनल लूटी गोपियां, वह अर्जुन वह बाण। तो इस समय आपका नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए सब हो रहा। चलिए धनंजय जी, निश्चित तौर पे अगर जोड़ तोड़ के साथ बनाए हैं, ये भी बात सही है कि 10 जो नगर निगम है उनमें आपने कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारे पास भी आंकड़े हैं, 4 से ज्यादा आप नगर निगमों में आपका बहुमत नहीं था। लेकिन जोड़ तोड़, अगर केंद्र की सरकार में विकास में बात आती है तो राज्य सरकारों में जोड़ तोड़ होती है, जब राज्य सरकार में विकास की बात आती है तो निश्चित तौर पर पंचायत और नगर निगम में सरकार के साथ जाते हैं। ऐसे में आपके मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम 90 से 95% दिख नहीं रहा है। सुंदरानी जी बोल रहे हैं कि जोड़ तोड़ हो सकता है, उन्होंने शंका भी जाहिर कर दी है कि कल हो सकता है आप 28 के 28 बता दें, लेकिन जब आम चुनाव होते हैं तो जोड़ तोड़ नहीं रहता जाता। धनंजय जी, असल माने में भारतीय जनता पार्टी का जो किसान विरोधी चरित्र और चेहरा जो रहा है जी, वो छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। कैसे जब धान खरीदी की बारी आई और सरकार जब धान खरीदने में पिछले बार जैसे हमने 2500 में लिया था, इस बार 2500 हम लेने जा रहे थे, इस बार लेंगे और देंगे भी जी, तो कैसे उस पूरे कामों पे अड़ंगा लगाया जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो चरित्र रहा है, भाजपा के नेताओं का चरित्र जो रहा है, वो जनता के बीच में उजागर हो गया जी, जी। अब ये बात कर रहे हैं जोड़ तोड़ की, असल माने तो ये है त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को भलीभांति समझ गए कि वही लोग हैं जो स्वामीनाथन परिणाम की बात हो रही है, किसानों की बात पे तो मैं भी चालू करूँ। जी जी, सच्चाई है, आपने बोला सुंदरानी जी, मैंने बड़ा सुना जी, सच्चाई यही है कि खरीदी पे बात करना है तो मैं तैयार हूँ ना। नहीं नहीं, धान पे कल बात हो चुकी है, आप भी मुद्दे पे आइए। 6 बजे मुख्यमंत्री बना ले, धान मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, मैं पूरा डिबेट धान पे करना चाहता हूँ। मैं तो आपके वहीं पे आना चाह रहा हूँ, धान खरीदी में किसानों की क्या दुर्दशा कर दी आपने। चलिए, धान शब्द को विलोपित कर देते हैं, धान शब्द को सुंदरानी जी विलोपित कर देते हैं। धनंजय जी, कृपया धान शब्द का उपयोग मत करिए, चावल शब्द का भले कर लीजिए, धान का मत करिए। अच्छा चलो ठीक है, ये तो किसान से भी चीड़ते हैं, धान से भी चीड़ने लग गए। त्रिपाठी जी, मैं भी उस पे बात करना चाहता हूँ, किसान से चीड़ते थे, अब धान से भी चीड़ने लग गए। चलिए आप उस पे आ जाइए जोर तोर पे। मैं तो क्या धनंजय जी, हमारे सवाल का उत्तर है, हमारे सवाल का उत्तर धनंजय जी, आप नगर पालिका की बात करें, ठीक है, दस में आपने चर्चा कर दिया। आप सुंदरानी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं नहीं, सुनिए, उत्तर दे रहा था, सुंदरानी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं नहीं, मैं तो बात करने को तैयार हूँ धान खरीदी के मुद्दे। धनंजय जी, धनंजय जी, मैं कहना चाह रहा हूँ त्रिपाठी जी, ये बात सही है, देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ त्रिपाठी जी, धनंजय जी, 10 नगर पालिकाओं में आपने, नगर निगमों में आपने बहुमत नहीं हासिल किया है, जोड़ तोड़ ही हुई है। मनोज जी बैठे हैं, 4 में आपने बहुमत हासिल की, एक दूसरा आज बड़े दावे से आप बोल रहे हैं, एक मिनट, बड़े दावे से आप बोल रहे हैं कि हम 22 जिलों में हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें तो पार्टी, देखिए एक बात तो यही है कि पार्टी फोरम पे चुनाव ही नहीं हुआ है, तो अब जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा वो सरकार के साथ ही जाएगा, इसमें 28 से 28 क्यों नहीं?
निश्चित तौर पर 28 में 28 भी बनाएंगे अगर जनता चाहेगी जो चुने। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ त्रिपाठी जी, जो ग्राम त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हुए हैं उसमें जो है छत्तीसगढ़ के किसानों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जिताया है। मैं इसका कारण आपको बताना चाह रहा था, जो लगातार है किसानों का विरोध में जो काम किए हैं, आखिर ग्राम पंचायत के जनता तो है और किसान तो है, जो 20 लाख पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखे थे, तो इनका हाल क्या हुआ? और जिस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे नगरीय निकाय चुनाव की हम बात कर ले या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर ले, बेपर्दा हो चुकी है। इनके जो नकाब जो थे वो उतर चुके जनता के बीच में, जनता इनको नकार दिया है। तब इनको बहाना चाहिए जोर तोर का, ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को मालूम नहीं चलता मुख्यमंत्री कौन बन गया है। हाँ मुख्यमंत्री बनाते हैं वो इस्तीफा देता है तब महाराष्ट्र जनता को मालूम चलता था कि ये हमारे मुख्यमंत्री थे। तो ये जोर तोर तो ये होता है कि आप बहुमत जो मिला है उसका अपमान करें। और जिस शिवसेना की लोग बात कर रहे थे वो शिवसेना जो 30 साल तक इंतजार है, जो मुख्यमंत्री पद मांगे उनसे पास विश्वासघात किए लोग, ये तो विश्वासघात परंपरा है। धनंजय जी देखिए, सुंदरानी जी सही कह रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव में जितने बंपर मेजोरिटी से आप जीते थे, लोकसभा में उसका मामला उलट हो गया, आप सिर्फ दो पे सिमट के रह गए। तो इसलिए ये लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव के साथ चुनाव में जिस प्रकार से नगर पालिका और चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने झूठ बोला, उस समय छत्तीसगढ़ जनता जो है फंस चुकी थी। नगरी के चुनाव में भाजपा को मुंह के खाने पड़ी, ये स्पष्ट हो गया है कि झूठ बार बार इनका चलता नहीं है। एक बार झूठ बोलकर जनता को फंसा लिए थे, उसके परिणाम नगरी का चुनाव मिल गया इनको। नगरी निकाय चुनाव दे दिया, जिला पंचायत में आप दे दिया, लेकिन आरोप इस बात का भी है और इसमें मनोज जी भी इसमें सत्यता पे बताएंगे कि ट्रिबुलेशन सीट भी नहीं दे रहे हैं आप लोग, जितने मत पड़े हैं उससे ज्यादा की काउंटिंग हो रही है, इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। ये तो एक और आरोप लगाएंगे कि सत्ता बल और तंत्र का दुरुपयोग किया, शायद सुंदरानी जी लगा नहीं पाए आरोप वो। चलिए लगवा दें क्या आरोप? बिल्कुल लगवा दीजिए, इनका कोरम पूरा हो जाएगा आरोपों का। चलिए मनोज जी आपकी तरह टिप्पणी, एक वास्तविकता है क्या, 28 में सुंदरानी जी ने शंका जाहिर कर दी है, हो सकता है धनंजय जी बोल रहे हैं, हो सकता है कल हम 28 में से 28 बता दें। निश्चित तौर पे बात भी सही है कि जिस जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने क्षेत्र का, अपने जिले का विकास कराना होगा उसको सरकार के ही पास जाना पड़ेगा, जिस जनपद पंचायत सदस्य को, जिस जनपद पंचायत अध्यक्ष को विकास कराना होगा वो सरकार के पास ही जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, वाकई में क्या 28 में से 22 में स्पष्ट रूप से जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे या जिला पंचायत सदस्य जो चुने हैं वो कांग्रेस समर्थित हैं क्या? देखिए सर, तकनीकी रूप से तो बहुत कठिन इसलिए है कि जैसा कि आपने कहा कि गैर दलीय आधार पर ये चुनाव हुआ था, भाजपा या कांग्रेस के जो निशान है उसके आधार पे नहीं हुआ था। ये जरूर अलग बात है कि कई जगहों पर अपने समर्थित प्रत्याशी दोनों ही राजनीतिक दलों ने उतारे थे और दूसरे तरीके से छूट दी गई थी। जैसे नगरी निकाय में हमने देखा कि जिसने बगावत करके लड़ा उसको पार्टी ने निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है स्वाभाविक तौर पर उदारता समर्थन में यदि किसी को खड़ा किया है तो दूसरा भी पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता भी खड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत स्पष्ट, हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई है कि जो स्थानीय संवाददाताओं से हमको भी जो फीडबैक मिला है वो 20 से 22 जगहों पर कांग्रेस और उसके समर्थित लोग, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, वो जीत के आए हैं। तो ये तो लगता है कि 20-22 जिला पंचायत में उनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन ये भी हमने देखा था कि नगरी निकाय चुनाव में 4 पे ही केवल कांग्रेस का बहुमत था और उसके बाद बाकी जितने 6 जगहों पर, जिसमें कुछ जगहों पर तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था, कोरबा उरबा में बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस का मेयर वहां पे बन जाएगा, लेकिन समय मिला और समय के साथ साथ सब कुछ सेट हो गया और वहां भी जो है कांग्रेस का मेयर बन गया। तो यहां पर अभी प्रथम दृष्टया, हालांकि जो चुनाव के पहले की परिस्थितियां थी, जिस तरह से बीजेपी ने धान के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था और हमको लग रहा था जब आकलन करते थे कि इस मुद्दे को सही तरीके से ये उठा पा रहे हैं, एक नया प्रोग्राम भी शुरू किए थे भात पर चर्चा, जिसके तहत गांव में जाकर धान खरीदी में जो गड़बड़ियां हो रही थी, जो किसानों के धान नहीं खरीदे जा रहे थे उसको इशू बना के जो माहौल बनाया गया था, उससे जरूर लग रहा था
कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला होगा और जो है रिजल्ट जो आएंगे उसमें ये चीज दिखेगी कि धान खरीदी में जो किसानों को जो प्रारंभिक तौर पर परेशानी हुई, हालांकि बाद में उसको भी समय पर रहते हुए ठीक कर लिया गया था, तो शायद इस कारण से जो है नतीजे जो है बेहतर कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में जब धान का मुद्दा उठा था, खरीदी में लेट होना, धान खरीदी में लेट होना, और उसके बाद जो शुरू में टोकन बहुत कम जारी हो रहे थे, और इन सब को लेके जो किसान सड़क पर अचानक उतर आए थे, हालांकि उसकी तुरंत समीक्षा हुई, कैबिनेट सब कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी में बातें सुनी गई और तेजी से व्यवस्थाओं को सुधारा गया, और उस समय भी यही लग रहा था कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये सब कवायद सरकार और कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो नतीजा आया है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के फेवर में है, और जैसा कि आपने कहा कि जो है पूरा रिजल्ट का निष्कर्ष जो है वो तो फिलहाल यही है कि कांग्रेस मस्त है और भाजपा पस्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे इन्होंने 4 पे जीते 6 पे कब्जा कर लिया धनंजय जी ने नगर निगम में, उसी तरह इसमें कब्जा कितने में कर रहे हैं धनंजय जी और कितने में जीत रहे हैं? त्रिपाठी जी हमने नगर निगम में कब्जा नहीं किया, हमारे बहुमत के साथ वहाँ पे नगर निगम में हमारे महापौर बने हैं, नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष बने हैं, नगर पंचायत हमारे अध्यक्ष बने हैं, और कब्जा करने काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जैसे गोवा में की है 2 विधायक के बना बाद जो कब्जा की है, जो महाराष्ट्र में कब्जा करने के इन्होंने प्रयास किया था, तो कब्जा करने काम तो भाजपा का रहता है। हमको तो बहुमत मिला है, हम जनता का जनादेश के हिसाब से हम जनता के सेवा के भी जाएंगे, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बघेल जी ने कहा इस बात को लेकर आपने आपत्ति की धान पर चर्चा ना हो, तो निश्चित तौर पर मैं वहीं पे जाना चाह रहा था कि लगातार जो भाजपा जो है धान पे जो झूठा आरोप सरकार पे जो लगा रही थी उसका पर्दाफाश हो गया है ग्राम पंचायत के चुनाव पे, और जो इनका किसान का विरोध करने का जो सिलसिला चल रहा है जो आज भी है इसका ही परिणाम है कि पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में, जनपद चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीत हुई है, और अधिकांश जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में कांग्रेस की परिषद है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस से भरोसा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, अब हम भी कहेंगे कब्जा, आप जो कहेंगे वही सही है, एक समरथ को नहीं दोष गुसाई भाई, आपकी सरकार है जो भी है जो सामने है बोले हमारे साथ है, बोले हाँ हम आपके साथ हैं, ये तो वही वाली बात हुई कि हम जो चाहेंगे वही होगा, न खाता न बही, जो आप बोले वो सही। सुंदरानी जी आपकी बी टीम का क्या हुआ? नहीं जनता ने जो ना दे दिया है भाई। जी सुंदरानी जी बात सुनने में आ रहा था कि अब कहना नहीं चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा, कहा यह जा रहा था जब बीएसपी से गठबंधन हुआ था तो सीएम हाउस में मिठाई भी बटी थी कि अब तो जीत पक्की है, तो लोगों ने ये कहना चालू कर दिया था कि एक बी टीम भी है बीजेपी की, और वो बी टीम जब पंचायत के चुनाव होने जा रहे थे तब ये ठीक है शहर नगर निगम नगर पालिका छोड़ दीजिए लेकिन ग्रामीण स्तर पे हमारा ही बोलबाला होगा, तो आपकी बी टीम का क्या हो गया, उसका भी है कहीं रसा पता? त्रिपाठी जी बी टीम हमारी बोली जाती है, नगरीय निकाय चुनाव हो या विधानसभा के अंदर हो विधानसभा के बाहर हो, समर्थन वो कांग्रेस का करें, अभी जितने महापौर बने उनमें जितने आप जिसको तथाकथित बी टीम बोल रहे हैं उनके पार्षदों ने किसका समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी का किया कि कांग्रेस का किया, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो हमारी बी टीम है कि कांग्रेस, और उसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक, क्या मूल वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं? अगर वे हैं तो हमारी बी टीम बोल सकते हैं, वो तो बी टीम कांग्रेस की है, कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है, उनके जितने लोग जीत के आते हैं कांग्रेस का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनकी विचार हमें उसकी शिकायत भी नहीं, वे कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस विचारधारा के लोग अलग होकर एक दल बनाए जहां वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो हमारी बी टीम कैसे हो गई? त्रिपाठी जी अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री हमने बनाया था क्या? धोखा दे दिया बी टीम ने, खैर छोड़िए इस बात में कोई दोरा नहीं। अब एक बार फिर मैं आपसे वही जानना चाहूंगा कि आप वास्तविक रूप से आपके कितना जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य जीते हैं, कितने प्रतिशत जीते हैं, जो जिस तरह से दावा देखिए मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी बहुत ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि हम 9 से 10 जिला पंचायत में स्पष्ट बहुमत में,
और तीन चार जिला पंचायत ऐसी है जिसमें निर्दलियों के साथ हम बहुमत में, हमारे जो भाजपा विचारधारा के निर्दलीय लोग हैं उनके साथ बहुमत में हम बराबर की स्थिति में। लेकिन मैं ये त्रिपाठी जी, राजनीति में कोई दावा काम नहीं आता, जब वास्तविक रूप से जब चुनाव हो जाएंगे, कितना थैला खोल के ये बोरी खोल के बैठते हैं कि थैला खोल के बैठते हैं या किस प्रकार से ये मैनेज करते हैं, और 28 के 28 जीत जाए तो कोई आश्चर्य मत करिएगा जी। अच्छा, जब आप लोग अपने जिला पंचायत अध्यक्ष 15 साल के थैले खोलने पे है, जब आप लोग जिला पंचायत अध्यक्ष नगर निगम अध्यक्ष जब बनाया करते थे 15 साल तक, तब क्या थैला खोलते थे कि बोरी खोलते थे? देखिए साहब त्रिपाठी जी, एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी में खरीद फरोख का नहीं लगा। नगर निगम में हमने खुलेआम देखा इनका खेल जी। नगर जी। निगम में, नगर पालिकाओं में खुलेआम पैसों का खेल देखा है कांग्रेस का जी। और शराब का पैसा जाएगा कहां साहब? खरीद फरोख्त का एक कोई प्रकरण भी चल रहा है, विधानसभा चुनाव के टिकट भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसके बाद वो चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। मुझे दृष्टांत नहीं आ रहा वो कौन है, किस पार्टी से फिर गया। त्रिपाठी जी वो दिन भी याद होगा, हमारे 12-13 विधायक कांग्रेस ने तोड़ दिए थे। वो दिन भी याद होगा कि हम जब 2003 में बहुमत में आ गए थे तो हमारी सरकार न बने इसके लिए पैसे दिए गए थे, जो आज भी मामला चल रहा है। जी, मामले भी तो है, इसको क्यों भूल जाते हैं त्रिपाठी जी? छत्तीसगढ़ के इतिहास को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है लगातार जी। अंतागढ़ कांड में उसके बाद जब आपके विधायक मिले गए, ऑडियो जो आया हुआ है जी धनंजय जी, एक मिनट, उसके बाद जब आपके विधायक जी माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने भी गए थे, जितने टूट के बचे हुए थे, तो उनसे अटल जी ने ये कहा था कि भाई कितने बचे हो, कितने चले गए हैं, ये गिनती भी आई थी। खैर वो हुआ था। धनंजय जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिसकी पार्टी होती है, चाहे बीजेपी रही हो, जो सत्ता में है वो खरीद फरोख करती है। उन्होंने अभी बता दिया कि मेरे कितने प्रतिशत जीते हैं, वो ईमानदारी से उन्होंने बता रहे हैं कि 10 से 12 जिला पंचायत अध्यक्षों में उनके बहुमत के पूरे आसार है, बहुमत मिलेगा। अब इन 10 से 12 जिलों में कैसे आप कब्जा करेंगे, कौन सी ट्रिक होगी आपकी, थोड़ा सा जनता भी जानना चाह रही, हम नहीं जानना चाह रहे। देखिए त्रिपाठी जी, विधानसभा चुनाव में 65 सीट का दावा इनके द्वारा किया जा रहा था, वैसे भी यहाँ पे मैं सुंदरानी जी बैठ के 9 जिला पंचायतों में बहुमत का दावा कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि 22 जिला पंचायतों में कांग्रेस के परिषद जो है वो बनने जा रही है, इसमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो बनने जा रही है वो बात छोड़िए ना जी, सुनिए ना, आप 28 बना सकते हो ना, 65 का दावा दावा करने की बात है, 14 में टिके हुए हैं तो ये तो दावा करते हैं, हवा हवाई दावा करते हैं। नहीं, मैं भी दावा करने का काम नहीं करता, ये महाराष्ट्र में भी दावा किए थे, सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री बना दिए, शाम को 7 बजे सिपा दिला दिए, तो इनका दावा रहता है, ये दावा करने का काम है भाजपा नेताओं का। और हकीकत तो यही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, इनके झूठे जो वादे थे, जो किसान विरोधी चेहरा है उसका जवाब बीस लाख जो किसान जो है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर डिमांड किया था कि सेंट्रल पुल को नियम को शिथिल रखा जाए, और भाजपा के 9 सांसद जो किसानों के विरोध में खड़े थे, भाजपा के नेता जो विरोध में खड़े थे, उसका जवाब आज दे दिया है। और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस धान खरीद का जो नियम है, मामला है, वो अलग राज्य में अलग, छत्तीसगढ़ के अलग नहीं हो सकता है, जो पूरे राज्यों में समर्थन मूल्य वही हो सकता है। आप बोल रहे हैं मुझे 2500 दो, बाकी जगह 1800 दो, ये कैसे हो सकता है? ना, हमने 2500 नहीं मांगा त्रिपाठी जी, हमने 2500 नहीं मांगा, हमने कहा कि सेंट्रल पुल में नियम तीन साल जो था उस नियम को संसाधन से देंगे, हमने केंद्र सरकार से पैसा नहीं मांगा था, हमने तो कहा जो बीजेपी रखा जाए तो एक कागज में नियम शिथिल कर पूरा करो, आपने वादा किया, आपने शपथ पत्र भरा, पूरा करो, जो नियम था, जो शिथिल नियम था उसको सिर्फ इसलिए चेंज कर दिया गया कि छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं दिखा, और जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है उसे गलत नीति का जो देश भर में आर्थिक मंदी का ये भाजपा का चरित्र उजागर हो गया। महीने के दो कर दिए जा रहे हैं, कल मांगे थे तो आज मांग रहे हैं, किसान विरोधी थे और आज भी किसान विरोधी है, और पंचायत चुनाव चलिए धनंजय जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है, सुधारी जी हमारा समय समाप्त हो रहा, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे अरुण पटेल जी आपकी चाहिए, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी।
जहाँ तक सत्ताधारी पक्ष है उसको थोड़ा बढ़त तो रहती है स्थानीय निकाय के चुनाव में, थोड़ा नहीं पूरी बढ़त रहती, पूरी बढ़त रहती है जी। और जोड़ तोड़ के जहाँ तक सवाल है तो संधान जी का जवाब आप नहीं देंगे, आपने उस पर चर्चा नहीं करना महाराष्ट्र उस पर जी। लेकिन जहाँ तक सवाल है तो दो अलग अलग विषय हैं, लोकसभा चुनाव विधानसभा में लोग हारे, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत गई, वो अलग मतदान हुआ, उसके हैंगओवर से ये नहीं निकल पाए हैं। यही कारण है कि विधानसभा की भी एक भाजपा की एक सीट नहीं बचा पाए, मजबूरन झाबुआ में नहीं बचा पाए विधानसभा की, और स्थानीय निकायों में भी अच्छी सफलता मिली है कांग्रेस को, पंचायत में मिल रही है, इसका कारण ये। और दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ में मूलतः ये कांग्रेस समर्थित इलाका रहा है, कांग्रेस के ज्यादा जैसे ज्यादा अंतर नहीं रहा है वोट परसेंटेज छत्तीसगढ़ में, 15 साल की सरकार रही तो इसलिए वहाँ कांग्रेस में सफलता मिल रही है, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, स्वाभाविक है कि मतभेद में कई बार केवल छत्तीसगढ़ के भरोसे कांग्रेस की सरकार बनी, ज्यादा बहुमत आने से छत्तीसगढ़ मूलता कांग्रेस समर्थित रहा है। 2013 में रमन सिंह की सरकार तीसरी बार जब बनी तो मात्र 0.71% का अंतर था। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका, सुंदरानी जी आपका, मनोज जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर दोनों सियासी दलों को अपने अपने दोनों सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, मगर एक बात जो साफ साफ नजर आती है वो ये है कि बहुत दिनों तक बीजेपी के नेता अपनी विफलताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं से छिपा नहीं सकते, और इसकी समीक्षा हुई तो निश्चित तौर पर टॉप लीडरशिप को ही हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन यहां कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि फिलहाल भले ही उसे लगातार सफलता मिल रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, उसे देखकर बीजेपी को अंडर एस्टिमेट करना उसकी सेहत पर भविष्य में भारी पड़ सकता है। तो एक पब्लिक है जो सब जानती है, मगर इस पब्लिक को कोई नहीं जानता। खैर छत्तीसगढ़ के बाद